लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रवि वर्मा और सर जूडा के इस जायदाद के केस में आज जो कागजात और सबूत रवि वर्मा ने पेश किए, उनसे साफ जाहिर है कि ऊटी कमांड की सारी जायदाद के असली मालिक और हकदार रवि वर्मा के स्वर्गवासी पिता शांता प्रसाद वर्मा थे, जिन्होंने सर जूडा को विश्वास और दोस्ती की खातिर अपना भागीदार बनाया। लेकिन उनके मरने के बाद अब सर जूडा उनके बेसहारा परिवार और लड़के से सारी जायदाद हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए कानून का यही फैसला है कि ये शांता प्रसाद की ऊटी कमांड वाली सारी टी स्टेट, टी फैक्ट्री और महल रवि वर्मा को मिलना चाहिए, सर जूडा को नहीं। हम लोग केस जीत गए कामनी। पांच जनवरी 1959, आज सर जूडा केस हार गए और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। श्री पीपी रॉय, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मशहूर वकील। लेकिन सर, ना जाने उस छोकरे ने कहां से असली कागजात अदालत में पेश कर दिए और सारा केस उल्टा कर दिया, और अब सर जूडा तुम्हें उल्टा करने की सोच रहे हैं। लेकिन सर, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ऊपर वाले ने सर जूडा को जबान नहीं दी, लेकिन अकल जरूर दी है। सुप्रीम कोर्ट में कोई दूसरा वकील होगा श्री पीपी रॉय, तुम नहीं होगे। आओ आओ कामिनी, आओ चरणजीत। सर जूडा कहते हैं सुना तुम्हारी बहन से रवि वर्मा इश्क करता है, क्या ये ठीक है? मेरी बहन का इश्क तो कईयों से है, लेकिन ये लड़का तो पैसे वाला है सरकार। तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों पैसे वाले बन सकते हो? वो कैसे? अगर 8 जनवरी तक तुम रवि वर्मा से शादी करके मिसेज रवि वर्मा बन जाओ और 11 जनवरी तक तुम विधवा बन जाओ यानी कि रवि वर्मा, और 12 जनवरी तक वो वसीयत के सारे कागजात हमारे हवाले कर दो, तो 15 जनवरी तक हम तुम्हें ऊटी की महारानी बना देंगे। लेकिन जायदाद का असली मालिक कौन होगा? सर जूडा रहेंगे। तुम्हें 25,000 रुपए महीना और वो ऊटी वाला महल भी तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नौकरानी से रानी बनने के बाद तुम्हारी नियत बदली तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस काले कोट वाले का हुआ। मेरा एडवांस? मुबारक हो कमो बहन, मुबारक हो जीजा जी। अरे भाई देखते क्या हो, फोटो खींचो, चलो जल्दी करो। अरे खींचो खींचो, कम ऑन, वन मोर, कम ऑन। अरे राम सिंह, वो सामान जल्दी से नीचे लाओ, जल्दी करो। मुबारक मुबारक हो रानी माँ, हमें भी मालूम पड़ गया है कि आपका बेटा केस जीत गया। लेकिन आपने मुझे असली मुबारकबाद तो दी नहीं, ये सजावट, ये तैयारियाँ आपने देखी नहीं? मैं समझा नहीं रानी माँ। अंकल मैं बताती हूँ, भैया ने बॉम्बे में शादी कर ली और भाभी को लेके यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए माँ बहुत खुश है। शादी कर ली है? सतनाम जी, जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है, माँ बाप की जिंदगी का मतलब ही बच्चों की खुशियाँ है। शर्मा जी, रवि के लिए स्टेशनरी गाड़ी भेजी है ना? भेजी है रानी माँ, लेकिन रवि बाबू ने जीप में अकेले आने का फैसला किया है। उसने ऐसा क्यों किया? तुम समझोगी नहीं माँ, ये भैया है ना बहुत चलाक है, बस भाभी को स्टेट दिखाते हुए अपना रॉब जमाते हुए चले आ रहे होंगे। जानती हो जो धुन है ना, मुझे बहुत पसंद है।
लगता है रेडियो वालों को भी खबर हो गई है कि हम अपनी दुल्हन को घर ले जा रहे हैं। हाँ, थैंक यू रेडियो वाला साहब, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी टी फैक्ट्री वर्मा टी एस्टेट। जीप ने जवाब दे दिया। जी नहीं मैडम, दरअसल हमारे जीप ने हमको मौका दिया है थोड़ा सा रोमांस करने का। एक घर पहुंचना कि नहीं? घर? अरे बाप रे हाँ, आज तो माँ खूब चिल्लाएगी। बस उसका बेटा कहीं अकेला निकल जाए तो शहर के सारे टेलीफोन और वायरलेस हिला कर रख देती है। अरे रेडिएटर में तो पानी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं से लेकर आता हूँ। I'll just be back, darling. कुछ भी कहो डार्लिंग, बीवी का प्यार बीवी का ही रहता है, बहुत गुदगुदी रहती है। मां का प्यार भी अच्छा होता है लेकिन ज्यादा प्यार होने से कभी कभी प्रॉब्लम बन जाता है। Too much love, you see? अभी घर जाएंगे तो देख लेना कैसे तुम्हें अपनी आंखों में बिठाती है। बहू यहां बैठो वहां बैठो, बहू पंखे के नीचे बैठो, अरे बहू को जुकाम हो गया अंग्रेजी डॉक्टर ले आ। लेकिन उसे क्या मालूम आजकल की बहुएं ज्यादा चूचियां पसंद नहीं करती। काम नहीं, मेरी मां बहुत अच्छी है, घर जाती है उसके पैर छू लेना, इंप्रेस कर देना फ्लैट। लेकिन तुम्हें पैर छूना आता है? तुम्हें, तुम जैसी अंग्रेजी लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम। देखो मैं कैसे छूता ऐसे ही छू रहा। देखो इस तरह से झुककर कह रहा, मां मुझे आशीर्वाद दो, मां फिर वो कहेगी बहू सुखी रहो सुहागवती बनी रहो। ये क्या कर रही हो तुम कामने? तुम गलती देखी कुछ मत करा रही हो। नहीं कामने, नहीं। नहीं हो सकता, इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तूने मुझसे वादा किया था कि तू वापस आएगा, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। भैया, भैया, अरे मेरा इकलौता जवान बेटा, मेरा मोती जैसा लाल। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरी माँ तेरे साथ चलेगी। भैया, माँ तेरे साथ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे उसके साथ जाना है। मुझे इससे पूछना है, इस माँ से जिसने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। कलेजा फटे गए तेरा,
जिसे मरते हुए देखकर, अगर तू माँ है तो मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ। देखती हूँ तू कैसे बेटा वापस नहीं देती। तुझे मेरा बेटा वापस लौटाना होगा, रवि को यहाँ आना होगा, इस जगह, इस घर में, मेरे पास। उसको अपना वादा पूरा करना होगा, उसे अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाना होगा, माँ के दूध का कर्ज चुकाना होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस संसार में कितनी बार आए, कितने जन्म लिए, कितने रूप धारे। कहते हैं इंसान की मरते वक्त वो इच्छा अगर अधूरी रह जाए या किसी को वो याद करे तो उसकी पूर्ति अगले जन्म में अवश्य होती है। ऐसी ही कहानी है हमारे दोस्त रवि वर्मा की, जिसने माँ के प्रताप से एक बार फिर जन्म लिया, किसी और जगह, किसी और रूप में, मोंटी के नाम से। We'll be right back.
ये पैसा आके हो मुसीबत छे न हो मुसीबत सा मुसीबत आ हो मुसीबत सात आठ नौ There he comes. एक मिनट प्लीज एक मिनट यार स्टॉप पुशिंग प्लीज प्लीज हाँ इस पे भी एक मिनट यार ये रेलवे टिकट है हुजूर एक नजर इधर भी ओ दयाल शुक्र है मेरे लाल अपने पुराने ट्रेन वाले दोस्त को तो पहचाना तुमने अबे दयाल आज तो कमाल हो गया bigger than the biggest hit आखिर उसको बनाने वाला कौन आई एम दी मेकर मोंटेगो स्टार किसने बनाया आप मिस्टर जी जी ओबेरॉय थैंक यू मोंटी प्राइवेट पार्टीज में गाना नहीं गाया ये मेरा उसका स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं हजारों के लिए लाखों नहीं गवा सर लेकिन लेकिन वेकिन कुछ आई एम दी मेकर अगर मोंटी वहां गाना गाएगा तो उसे लाखों का हर्जाना और इस कैरियर से हमेशा के लिए रुखसत लेनी पड़ेगी दिल्ली में डॉक्टरी का कोर्स पूरा किया और बॉम्बे हॉस्पिटल नौकरी ढूंढने चला है पता लगा तेरा शो है तो आ गया लेकिन मुझे डर लग रहा था वर्षों के बाद तू मुझे पहचानेगा कि नहीं अब आप अपनी बकबक बंद कीजिए और मेरे साथ सीधा घर चलिए हाँ जोसेफ मम्मी है अच्छा उनसे कहना मेरा एक पुराना जिगरी दोस्त घर साथ आ रहा है हम लोग साथ ही खाना खाएंगे A1 खाना होना चाहिए ओके मम्मी अबे तू तो कहता था तेरे माँ बाप ही नहीं है ये पैसों के साथ मम्मी डैडी कहां से पैदा हो गए अबे तू तो जानता है दयाल अनाथ भिखारी की तरह ट्रेन में गाया करता था भगवान ने आवाज तो दी थी उस आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए एक फरिश्ता भी भेज दिया फरिश्ता जी एक रईस बिजनेसमैन है मिस्टर जी जी ओबेरॉय उन्हीं के साथ घर में रहता हूं उन्हीं को माँ बाप समझता हूं तू घर तो साथ चल तुझे पता चलेगा मैं कितना तकदीर वाला हूं एक्चुअली आई एम द मेकर स्टार मेकर ओबेरॉय लेकिन मिस्टर ओबेरॉय तुम्हें उससे फायदा भी तो हुआ है सो व्हाट बट हु इज द मेकर आई एम द मेकर लो मोंटी भी आ गया पूछ लो इससे डैडी ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर दयाल नमस्ते डैडी अनाथ बच्चा अगर प्यार से मुझे डैडी कहता है तो इसमें बुरा ही क्या मोंटी बेटा ये है मेरे लंदन से आए हुए दोस्त अरे भाई आप लोग यूं बातें करते रहेंगे या चलेंगे भी देखिए क्या टाइम हो रहा है अरे मोंटी मिस्टर परेरा को डिनर के लिए हम ताज ले जा रहे हैं yes, चलिए लेट्स गो अरे यार वो मेरे डैडी है ना वो हमेशा बिजनेस में ही रहते हैं यार वो लाखों लोगों का मैं लेकिन मेरा कोई नहीं दौलत शौहरत भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे लेकिन मां का प्यार क्या होता है ये तो बस सुनता हूं महसूस करता हूं और मायूस हो जाता हूं ना जाने क्यों मुझे मां की कमी हमेशा महसूस होती है दयाल मेरे पास मां होती ना तो मैं उससे इतना प्यार करता कि बस मोंटी यार तू इतना बड़ा स्टार होकर रोता है, है? देख, तेरी कमी मैं पूरी नहीं कर सकता दोस्त लेकिन मेरा एक काम तू कर सकता है क्या मेरे बॉस है ना डॉक्टर डैनियल उनकी पार्टी है तुझे आना पड़ेगा किस लिए यार तू इतना बड़ा स्टार है यार तू आएगा तो अपना भाव बढ़ेगा अपनी नौकरी का सवाल है आऊंगा आएगा ना लेकिन कहां 10 मड आइलैंड रोड 6:30 बजे लगता है बॉम्बे में नए नए आए लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे 6:30 बजे का टाइम दिया था ठीक है लेकिन बॉम्बे में बड़े लोगों की पार्टी 9 या 9:30 से पहले कभी शुरू हुई है डॉक्टर डैनियल साहब है घर में हाँ है तो सही घर ही में लेकिन ऊपर सोए हुए हैं वो भी 8:30 या 9 से पहले नीचे तो उतरेंगे नहीं चाय पानी लाऊं नहीं नहीं थैंक यू मैं वो वहां पियानो के पास बैठ सकता हूँ हाँ हाँ जरूर बैठ जाइए आइए आइए थैंक यू जोसेफ
जी गिलासे सब साफ किया कि नहीं? टीना बिटिया कर रही है। ओहो, जब से आई है काम में लगी हुई है। देख रही हो बेटी? मैं देख रही हूँ ये बाजा बजता कैसे है और वो बजाता कैसे है। चलो हम अपना काम करें, आओ। सुनो, मेरे लिए जरा ग्लास पानी लाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरा नाम ये नहीं। जोसेफ, सबको एक ग्लास पानी मारो। मारो नहीं, मरो। फूल बहुत अच्छे हैं ना? ये फूल गुलाब के हैं शायद। क्यों? नहीं, गेंदे के होंगे। आपको भी मालूम नहीं? मालूम है, बनावटी हैं। यहाँ फूल भी है और ब्लडी फूल भी। सुनिए मेरे बाप, सुनिए। आप लोग सुनते क्यों नहीं? भाई, मिस्टर ओबरॉय के अग्रीमेंट के मुताबिक मोंटी किसी प्राइवेट पार्टी में नहीं गा सकता। अगर वो गाएगा तो उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा और फिर अपने करियर से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी, प्लीज। देखिए, आपके लिए मैंने अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बुलाया है। अब तो आपको गाना ही पड़ेगा। पापा बोलो ना। भाई देखो, मिस्टर ओबरॉय मेरे दोस्त हैं, मैंने उन्हें भी इस पार्टी में बुलाया है। जी कहो तो उन्हें भी फोन कर देता हूं। नहीं अंकल, प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज। आई एम हेल्पलेस। नहीं नहीं नहीं, एक लाइन ही सही, पर प्लीज गाइए ना। देखिए ना, मैंने आपके लिए कितने सारे म्यूजिशियंस बुलाए हैं। अरे भाई, आप लोग समझते क्यों नहीं? मोंटी इज अ स्टार, ही इज अ स्टार। मेरे दोस्त भी हैं सर। दयाल, डॉक्टर दयाल। ओके, डॉक्टर डैनियल और डॉक्टर दयाल की खातिर अगर आप कहें तो मैं आपके कोई साज बजा कर सुना सकता हूँ। हो जाए, हो जाए। जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर
दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल में जगाया आपने। दर्द दिल में जगा और थोड़ी देर में बस
को ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। गया यार, गाना गवाने के लिए दुनिया की सारी हस्तियां परेस्ट हो गई, लेकिन एक लड़की की आंखों ने आवाज और गजल दोनों निकाल दी। व्हाट अ रेडियो एक्टिविटी यार, है? इस रेडियो एक्टिविटी ने वाकई अपनी हालत बुरी कर दी है यार। यार मैं रेडार लगा के देख रहा था, चंदा आया, चांदनी फेंकी और गायब हो गई। कौन है, कहां से आई है, इसका कुछ तो पता लगाओ दयाल। हमें यार किचन से आई और किचन में ही गई, मतलब इसका मेनू कार्ड किचन में ही मिलेगा, मैं अभी पता लगाता हूँ। अभी बेटू क्या है, संभाल के जाना, तूने पी रखी है यार। हेलो बेटी, इनसे मिलो, ये मेरी सहेली है। हेलो हेलो, थैंक यू। सचमुच आज क्या गाना है, वेलकम बताने वाले सचमुच हम आपके फैन हैं। हम आपका हर प्रोग्राम अटेंड करते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, प्राइवेट टॉकिंग वन मिनट है। एक्सक्यूज मी, आप उस लड़की को भूल जाइए, ना के नौकरानी ना महारानी, वो ऊटी से अपने स्कूल के टूर के साथ बंबई देखने आई थी। आई थी? आई थी। यहाँ का जो बावर्ची है फ्रांसिस, वो उसके गांव का रहने वाला है, वो उसे मिलने गया तो बंबई की एक भड़कीली पार्टी दिखाने के लिए 2-4 घंटे के लिए यहाँ ले आया। अब आज रात के 11:30 बजे गाड़ी से जा रही है, जा कह रही है, अब तक तो निकल भी गई होगी, इसलिए आप इसे एक खूबसूरत ड्रीम सीक्वेंस समझ के भूल जाइए और मुर्गी की टांग खाइए। तुम इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की डैडी। डोंट कॉल मी डैडी, याद रखो तुम मेरे बेटे नहीं हो, एक एम्प्लॉय हो, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ए स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट। मेरा पैसा, मेरा पैसा, पैसा, पैसे की जरूरत आपको है डैडी, मुझे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सख्ती और नफरत से मोंटी आपके पैसे और स्टेक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर किसी और दुनिया में चला जाए। क्या हुआ? पैसे का सवाल है, मैंने कुछ कह दिया, तुम समझा दो प्यार से। हेलो हेलो जूली। अच्छा तो मोंटी जनाब अपने चाहने वालों से छुपकर यहाँ बैठे हुए। अपने चाहने वालों के लिए 4 दिनों से गीत लिखने की कोशिश में हूँ, तमक बोले नहीं मिलते। लेकिन उस दिन हमारी पार्टी में आपने तो बस कमाल ही कर दिया, क्या गाना गाया था कि देखिए ना, उस दिन पार्टी के फोटोग्राफ्स, ये देखिए, मेरी सारी सहेलियाँ आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, इतनी तारीफ कर रही थी कि बस कह रही थी, जूली अगर तुम मोंटी को इंस्पायर ना करती तो शायद वो इतना अच्छा गाना कभी नहीं गा सकता। आखिर बोल लिखने और गाने के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो चाहिए ना। आपने ठीक कहा जूली, यूं समझो कि मुझे अपनी इंस्पिरेशन मिल गई।
करके चैन खोया नींद खोई, पर झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। हे प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रो कोई। चलता नहीं है दिल देके यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल देके यारो इस दिल पे जोर कोई। रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई, तो गाओ हो शांति ओ शांति शांति ओ ओम शांति ओ शांति शांति ओ। रातें खराब देखो मैंने किसी को दिल देके कर ली, रातें खराब देखो। आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ हो शांति ओ शांति शांति ओ पहला सलाम लेकर, जो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर। हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर, उसका ही नाम लेकर। मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना, मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना। ये वक्त तो
तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना सिंग हो शांति हो शांति शांति मोंटी, मोंटी याद करो क्या तुम उस औरत को पहचानते हो जो जीप चला रही थी? नहीं। उस लड़के को जिसका वो खून कर रही थी? बिल्कुल नहीं। ऐसा हादसा कभी किसी फिल्म में देखा होगा? कभी नहीं। कभी किसी ने कोई कहानी सुनाई होगी? नहीं। कोई उपन्यास, कोई नॉवल? नहीं, ख्वाब में भी कभी नहीं। तो फिर तुम्हारे दिमाग में तस्वीरें कैसे और कब उठी? कल रात जब मैं गिटार के हाई नोट्स बजा रहा था तब। सिस्टर, साहब को गिटार दो, फिर वही धुन आंख बंद करके फिर से बजाओ।
साहब, इस बार मैंने कुछ और भी देखा। एक सोने सी वादी, काली माँ का मंदिर है, एक महल है, तालाब भी है, लेकिन लेकिन लड़की वही थी डॉक्टर साहब, और लड़का वही था। डॉक्टर डैनियल, जबकि इसका ताल्लुक मोंटी की जिंदगी की किसी याददाश्त या सदमे से नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसके पिछले जन्म? पिछले जन्म? हाँ। व्हाट नॉनसेंस डॉक्टर शास्त्री, इस मॉडर्न जमाने में भी आप रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं? डॉक्टर शास्त्री, आखिर आप शास्त्री जी ही निकले। वेल, आपने पिछला संडे स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा। दक्षिण भारत के एक गांव में 5 साल के बच्चे को पूरी गीता और रामायण संस्कृत में याद थी, और वो अपने पिछले जन्म के माँ बाप और गांव का पूरा ब्यौरा बताता था। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब ये बात सच साबित हुई तो ईश्वर की सन होनी पर वो हैरत में आ गए। डॉक्टर शास्त्री, छोड़िए इन पिछड़ी बातों को। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ साइकोसिस। चलिए बाकी बातें हम लोग कंसल्टिंग रूम में करें। आइए। मेरी राय में मोंटी को 1 महीने के लिए कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, और इसे वो खास धुन उस वक्त तक नहीं बजानी चाहिए जब तक कि हम लोग किसी नतीजे पे ना पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, मोंटी अगर 1 महीने की छुट्टी चला गया तो हम लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि इनकी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए? मेरी राय में तुम किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, जैसे कश्मीर, दार्जिलिंग, ऊटी। नहीं डॉक्टर साहब, बिना म्यूजिक के कोई भी हिल स्टेशन मुझे आराम नहीं दे सकेगा। एक हिल स्टेशन इसे आराम दे सकता है सर, और वो है ऊटी। ऊटी? हाँ सर, इसका वो गाना है ना, दर्द दिल दर्द जिगर, वो वहां सुपर हिट है, डेली बजता है सर। ऊटी ऊटी प्यार की बूटी, ऊटी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ऊटी जाता हूँ डॉक्टर साहब। I'll go to Uti. फिर वो मेरा दीवाना हो गया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम सब उसके फैन हो, लेकिन वो मेरा फैन हो गया। छुट्टी कर दी साले की, मेरी तरफ घूर घूर के गा रहा था। क्या गा रहा था? आगे क्या बोला था वो? बहुत बहुत अच्छा था। जुदा हो जाएंगे, क्या था वो? और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे, नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर जगाया आपने। क्या बात है, 6:30 बजे तक लाइब्रेरी में अकेली बैठी हो? उसने मुझे 6 बजे क्वालिटी रेस्टोरेंट में बुलाया था। तो तुम नहीं गई? नहीं रीटा, आई स्वेयर बाय गॉड, मेरा दिल बहुत जोरों से धक धक कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा। I'm totally blank, you know. ये है उसकी प्यार की आवाज, लेकिन मैं तो उसे मिलने नहीं गई। ये है तुम्हारे प्यार की आवाज। क्या भक्ति हो मेरी जान, ये वो तूफान है जो रोके से ना रुका है न रुकेगा, इसे जितना रोकोगी उतना बढ़ेगा, बढ़ता है बढ़ने दो, आता है आने दो।
वो देखो, वो मुझे घूर रहा है। वो तुम्हें देख ही रहा है ना, छू तो नहीं रहा। एक बात पूछूं मोंटी? पूछो। वो मेरी सहेली है ना रीटा, वो कह रही थी कि शहरी लड़के होते हैं ना वो भावरे होते हैं, फूलों पे मंडराते हैं और फिर भाग जाते हैं। मतलब? मतलब ये कि पहले वो गाना वाना गाते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता होटल में लेके जाते हैं, फिर तुम मेरे साथ वो तो नहीं करोगे ना? क्या बकती हो तुम? नहीं, वो रीटा कह रही थी कि आजकल के लड़कों से शादी से पहले बच के रहना चाहिए। What do you mean, बच के रहना? तुम बड़ी भोली उठी ना। अरे मैं तुमसे पहले शादी करूंगा, शादी के बाद मैं तुमसे। तब भी नहीं, पहले कबीर चाचा को आ जाने दो। कबीर चाचा? हाँ, मेरा दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं। वो कितने सालों से परदेश में है, वो मुझे यहाँ की रानी साहिबा के भरोसे छोड़ गए हैं। उनकी चिट्ठी आई थी कि इन दिनों वो कभी भी यहाँ आ जाएंगे और मुझे सरप्राइज देंगे। Not bad. 10 साल बाद कबीरा जेल से छूटकर अपने शहर आया, हर कोई फर्क नजर नहीं आया। एक फर्क है कबीर बादशाह, जेल जाने के बाद तुसी छा गए, लोग आपके नाम के चर्चे कर रहे हैं। जेल जाने के बहुत फायदे हैं दाया। आजकल रानी साहिबा कहाँ है? विदेश यात्रा पर गई है। और हमारी पिटिया रानी टीना? स्कूल में दिल लगा के पढ़ रही है और हर महीने उसका खर्चा हम रानी साहिबा से वसूल कर रहे हैं। अरे मैंने भी तो रानी साहिबा की वजह से 10 साल जेल में सड़ सड़ के काटे हैं। एक गड़बड़ हो गई है बादशाह। क्या? रॉक्सी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम जो उसे अपना मकान कड़की में रहने के लिए दे गए थे ना, उसके ऊपर उसने कानूनी कब्जा कर लिया और उसे दारू का अड्डा बना दिया है। प्यार मोहब्बत में तो हम तन मन जान लुटाया, धोखा दे दई दोस्त को, अब देख कबीरा आया। मैं तुम्हें नहीं पहचानता। आजकल के जमाने में दूसरों का एहसान लोग 2 ही दिन में भूल जाते हैं, और ये तो फिर पुरानी 10 साल की बात है। पैसे कर्ज चुकाने वाले की याददाश्त अक्सर कमजोर हो जाती है, फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में याद दिला देता हूं। गलियों में पैदा होने वाला यह लावारिस एक नेक मुसलमान को टोकरी में मिला और न जाने क्या समझकर उसने मेरा नाम कबीर रख दिया। मुसलमान के यहां परवरिश रही, हिंदुओं से दोस्ती रही और शक अंग्रेजों जैसे रहे, लेकिन मैं वो कबीर नहीं जो कि इंसानों का इंसान था और एक सच्चा संत फकीर था। मैं तो कबीर बादशाह हूं, कबीर बादशाह क्योंकि अल्लाह का एहसान मंद है और तुम जैसे हवानों के लिए शैतान। अरे भोंदू, जब मैंने तुझे मकान दिया था तब तू मुझे अपना दोस्त समझता था, और आज मैं अपना ही मकान तुझसे वापस मांगने आया हूं तो तू मुझे दुश्मन सोचने लगा? कबीर बादशाह, ये सवाल मुझसे नहीं कानून से पूछो। अब इस जगह का मालिक रॉक्सी है। जो संतों की बात ना माने वो बरसों पछताए, जिस जिस रास्ते गुजरे तिस तिस जूते खाए। वाह कबीरा वाह कबीरा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? डू नॉट टॉक। धमकी और चैलेंज तो डरपोक लोग देते हैं रॉक्सी। मैं कल सुबह 6:30 बजे अपना मकान वापस लेने आ रहा हूँ, इससे पहले तुम अपना इंतजाम कर लो। चलो दाया, चलो बाया। ये तो सीधे सीधे उल्टी बात कर गया। गुल्लो देखो, तुम लोग अपने आदमियों को जमा करके सुबह सुबह 6:30 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाना। इस कबीर को अगर मैंने फकीर नहीं बनाया तो मेरा भी नाम रॉक्सी नहीं। पुलिस? तो इसका मतलब है कि रॉक्सी ने पुलिस का सहारा लिया है। तो फिर हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया गया? कबीरा से डर गया? अरे अरे, पुलिस तो हमारे तरफ आ रही है। जग्गू चलो। देखा मेरे लाल, ये सब है इस वर्दी का कमाल। ऊपर कबीरा कर रहा है धमाल। वक्त के हम पाबंद हैं, करो ना हमसे वैर। कबीर बादशाह जो आ गए, मनाओ तुम अपनी खैर। कबीरा पहुंचा दूंगा ये बोतलें रॉक्सी साहब के घर।
इतना मत मार कबीरा, हो जाएगा वो अंजर पंजर। अंजर पंजर ये भी तो है साला सुअर कंजर। हाँ। बस बादशाह बस, गुरुजी इतने दोहे मत सुनाइए कि कथा ही समाप्त हो जाए। ये बास्टर्ड तो बाल बच्चे वाला है। बाल बच्चे वाला है ये किसे मालूम? हमें मालूम। मुझे मालूम नहीं था। अगर ये बाल बच्चे वाला है तो फिर इसे ले चलो अस्पताल। दाया भाया, तुमने टीना बिटिया को तो मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। बस यही बताया कि ईश्वर ने तुम्हारे चाचा को हिंदुस्तान का वास्को डिगामा बनाया, जिसे सरकार ने 10 साल अराउंड द वर्ल्ड घुमाया। मैं तो टीना बिटिया की शक्ल भी भूल गया। चाचा, चाचा, चाचा। चाचा, आप शायद मेरी शक्ल भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूली। मुझे आपकी सब चीजें मिलती रही, प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स, एवरीथिंग, पैसे भी मिले, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करती। मुझे आपकी एक भी चिट्ठी नहीं मिली। अरे बेटी, एक देश से दूसरे देश घूमता रहा, सरकारी जिम्मेदारी का काम था ना, अब आ गया हूँ। और मैंने प्रिंसिपल साहब से कह दिया है, अब मेरी बेटी हॉस्टल में नहीं मेरे साथ ही रहेगी। आपके पास? हाँ, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। चाचा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। बड़ी हो गई? मेरी बेटी तो इससे भी बड़ी हो गई है। मेहरबान, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो मेरी बेटी के लिए देख लीजिए, क्योंकि उसकी शादी की फिक्र मुझे खाए जा रही है। क्यों? चाचा, ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटी। मुझे मालूम है, मेरे लिए गिफ्ट लाए ना। नहीं नहीं नहीं। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे दिखाइए प्लीज, दिखाइए ना। चलिए ऑफिस में चलकर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। चलिए। मेरे स्कूल की सब लड़कियां पास हो गई हैं, सब बड़ी हो गई हैं, मगर मेरी बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई। अच्छा, तो यही है तुम्हारे चाचा? हाँ। दिखाना क्या लाए हैं तेरे लिए फॉरेन से। चाचा को देख के आज मुझे अपने बाबा की याद आ गई। टीना, लगता है तुम्हारे चाचा अभी भी तुम्हें बेबी समझते हैं। ये रहा तुम्हारा तोहफा। क्या है, चाचा ने समझा कि मैं अभी तक वैसी की वैसी छोटी ही हूँ। तो सही तो समझा, अकल के डिपार्टमेंट में तो आप अभी तक छोटी ही हैं। नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आप बड़ी हो गई? चलिए हम भी देखें कितनी बड़ी हो गई आप। छोकरी खूबसूरत है रे बाबूजी, छोकरी इधर भेज दो। अच्छा, तो एक और बाकी है। घबराओ मत बहना, कबीरा का है कहना। Not bad. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मुझे हाथ मिला दोस्त। बच्चे अभी तक कच्चे हो दोनों, तक इतना भी नहीं समझे कि तुम हमें नहीं मार रहे थे, हम मार खा रहे थे। फाइटर एसोसिएशन, तुम्हारा ड्रामा खत्म, अब फूटो। खैर, हमें तुम्हारा हीरो पसंद आया। फाइट के लिए ताकत की ही नहीं, जिगर की भी जरूरत होती। तुम्हारा नाम? मोंटी। काम? जी, गाना गाता हूँ। गाना तो मैं भी गाता हूँ, काम क्या करते हो? चाचा, ये बम्बई में बहुत बड़ा सिंगर है। दोनों टप, सिंगर तो सभी होते हैं, रोटी रोजी का क्या इंतजाम है? जी, इसे गाने से चलता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। नॉट बैड, भगवान को भी मानता है। जी, तुम टीना से प्यार करते हो? जी हाँ। शादी का इरादा है या सिर्फ गाने गजल तक का ही साथ है? जीवन साथी बनाने का इरादा है। दायां बायां? यस सर। जो लड़का लड़की की करे हिफाजत, उसको शादी की है इजाजत। चाचा।
थैंक यू वेरी मच सर। सर नहीं, कबीरा। क्या उम्र है तुम्हारी? जी ये कोई 21 बरस का हूँ जी। लेकिन देखने में ये अबोध बालक 16-17 का लगता है। अरे प्यार में तो बूढ़ा भी जवान लगता है। लड़की शीरीन और लड़का फरहाद लगता है। बच्चों, तुम लोग कबीरा के इम्तिहान में पास हो गए। अब तुम लोग जाकर गाना वाना गाओ, यानी कि डू इट सॉन्ग, यानी कि जुगल गान। चलो ना मोटी, जल्दी चलो चलो। दाया बाया ये सर, ये दोनों जहां भी जाएं तुम दोनों इनके साथ साथ रहो, यानी कि सेंसर। कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 17 17 16 मिल जाए नैना, एक दो बरस ज्यादा दूर रहना, एक दो बरस ज्यादा दूर रहना, कुछ कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मिल जाए नैना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ दिल मिल जाए तो क्या हो, बारात हो जाने कब, बरसात हो जाने कब, बारात हो। मेरा दिल तो चाहे आज की रात मिलन की रात हो। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मिल जाए ना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। सच्चे प्रेमी सब मिलते हैं, अब देखें हम कब मिलते हैं। मिलने में अब क्या मुश्किल है, तेरी मेरी एक मंजिल है, दूर है वो नजदीक नहीं है, अब ये मिलना ठीक नहीं है। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ
हो गया तो फिर ना कहना बरस का मैं 16 बरस की मैं 17 बरस का इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है बेटा और डूब के जाना है। अरे गाना गाने के लिए कहा था लेकिन इतने जोर से गाना गाने के लिए तो नहीं कहा था कि खुद ही गिर पड़ो। चलो सो जाओ सुबह तक ठीक हो जाओगे। चल कबीरा फिनिश एवरीथिंग फिनिश। हम बूढ़ा रॉबर्ट वैसा का वैसा 25 साल में सब बदल गया सब खत्म। वर्मा फैक्ट्री फिनिश। अब सरजुदा फैक्ट्री बंबई का सेठ यहाँ के स्टेट का मालिक होता। वर्मा फैमिली अ ग्रेट फैमिली बट फिनिश्ड। उनका लड़का रवि वर्मा बंबई से शादी करके आता था रास्ते में कार एक्सीडेंट फिनिश्ड। माँ 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 मैं बोल रहा हूँ मैं रवि। हाँ हाँ रवि बंबई से। ओहो माँ मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ माँ। माँ हम लोग अदालत में केस जीत गए। हाँ हाँ सर जुड़ा ने रिश्वत खिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो जमीन वो जायदाद दोनों मेरे नाम पे हो गए। ईश्वर सच्चे इंसान का हिसाब देता है बेटा। लो माँ मुझे बात करने दो ना। लो हेलो मुबारक हो भैया। मैं पिंकी बोल रही हूँ पिंकी। अब तुम्हें मेरे लिए ढेर सारी इम्पोर्टेड ड्रेसेस लानी होंगी। हाँ हाँ आपकी फरमाइश की पूरी लिस्ट याद है मिस ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा बियर पी है क्या तुमने? पकड़ कर मारूंगा तुम्हें। मैंने और बियर टेलीफोन पे तो बात आ रही है। अच्छा खाओ मेरी कसम नहीं पी तुमने? हाँ हाँ कसम की बात है तो ठीक है एक बॉटल पी है और क्या आगे बोलो। देखो माँ कहती है कि शराब पीने से बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। लो माँ से बात करो। अब माँ ये झूठ। ठीक है माँ I'm sorry अब मैं कभी नहीं पीऊंगा। तू जल्दी से खराब बेटा मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। माँ क्या? एक राज की बात बताओ माँ तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? माँ का गुस्सा 2 पल से कभी ज्यादा देखा है इस दुनिया में? माँ मैंने शादी कर ली है। किससे?
वही कामिनी से? हाँ माँ, कामिनी से शादी करने का फैसला मुझे आज ही करना पड़ा, वरना उसके भाई और मामा उसे लंदन भेज रहे थे। अब तूने शादी कर ही ली है तो हम क्या कहेंगे? उसे जल्दी से घर ले आ, हम धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। माँ तुम दुखी तो नहीं हुई ना? बच्चों का सुख माँ बाप का सुख होता है बेटा। ओह माँ यू आर ग्रेट, मामा यू आर ग्रेट, आई लव यू। तू जल्दी से घर आ बेटा, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। आई प्रॉमिस यू मामा, आई विल डेफिनेटली कम। आई विल कम मामा, आई विल कम, आई विल कम। मैं जरूर वापस आऊंगा मामा, बहुत जल्दी वापस आऊंगा। आ गई है, आज रात को राजा महेंद्र के महल में एक पार्टी है, उसमें तुम्हें बुलाया है मेरे साथ, मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए। छोड़ो टीना, मैं टीना बिना कुछ नहीं चलेगा, चलो चलो घर। जल्दी जाना है पार्टी में, और फिर फर्स्ट क्लास सूट पहनना है, और फिर कभी चाचा कह रहे थे कि पहले मैं उनके साथ चली जाऊंगी फिर तुम्हारा। चलो बैठो ना, तुम क्या करो, चलो तुम गाड़ी चलाओ। मालूम है पार्टी कितनी बड़ी है, वहाँ कितने बड़े बड़े लोग आने वाले। इस अजीब और गरीब घटना से मेरा सर फटा जा रहा है दयाल। ये राज तुम सिर्फ अपने तक ही रखना, क्योंकि लोग विश्वास करने की जगह हंसी उड़ाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही शहर, वही महल, वही फैक्ट्री जहां मैं पिछले जन्म में रहा करता था। मेरा पुराना नाम रवि वर्मा था, लेकिन मेरा चेहरा एकदम अलग था। मेरे पिछले जन्म की माँ, बहन और बीवी सब कहाँ हैं इसकी कोई खबर नहीं, इसलिए लगता है यहाँ कुछ दिन और ठहरना पड़ेगा। और टीना को जिस रानी साहिबा ने बचपन से पढ़ाया लिखा है उनसे आज शाम को मिलना है, बाकी बातें बाद में लिखूंगा। तुम्हारा मोंटी। You stupid, you idiot, can't you see? I can see, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते। दूसरा जन्म, दूसरा चेहरा, पुनर्जन्म, रवि वर्मा। साहब एक रानी साहिबा रहती हैं, नौकर चाकर धन दौलत सब तो है साहब, लेकिन एक इंसान की कमी है। सुबह रह जाती हैं, शाम को आती है, पता नहीं साहब कहाँ से जाती हैं कहाँ आती है।
लेकिन कहते घोड़े की पिछाड़ी और बड़ों की आगाड़ी कभी नहीं जाना चाहिए साहब। लेकिन हमें क्या करना साहब, अपन तो मजदूर आदमी है, पगार से मतलब है, पगार लेते हैं अपन चले जाते हैं। कमाल आदमी, नॉन डिस्कशन कमिंग एंड गोइंग। रवि वर्मा की मौत एक्सीडेंट से हुई, ये खबर कामनी देवी ने सबको सुनाई। लेकिन एक ही साल में साहब उस औरत ने दोनों बेसहारा औरतों को घर से निकाल दिया। उस वक्त कामनी देवी महल और फैक्ट्री की मालिकन बन चुकी थी। मैं क्या बोलता साहब, मैं तो एक मामूली नौकर था। एक दिन उसकी साजिश कामयाब हो गई। आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि मैं आत्महत्या कर लूं? मेरे खाने में जहर डाल के मेरी जान लेना चाहती हो तुम? मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? कितनी शर्म की बात है भाभी, कितना गिरा हुआ इल्जाम लगा रही हो तुम। मैं और अपने भाई की बीवी। शट अप यू ब्लडी बिच। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बिल्ली को पहले खाना खिला दिया, नहीं तो मेरी बहन ऐसे मरी पड़ी होती। आज इसका फैसला होकर रहेगा। मैं पुलिस को फोन करूंगा दीदी, और इन दोनों हरामजादियों को जेल की चक्कियां ना पिसवा दी तो मेरा नाम भी चरणजीत नहीं, मेरी बहन की दौलत शान और इज्जत से चलती है। आज इस घर में पुलिस आएगी। शांता प्रसाद वर्मा के घर में न कभी पुलिस आई है न कभी आएगी। चिरंजीत बहू, बेटे के मौत के आंसू अभी तक नहीं सूखे, पर वर्मा घराने के झगड़े लोगों के सामने तमाशे बन जाए, इससे अच्छा है कि हम ये अपने आंसू और कहीं जाके बहाएंगे। चलो बेटे, अब ये वक्त आ गया है कि वर्मा जी और रवि का बनाया हुआ ये घर भी हम छोड़कर जा रहे हैं। बहू, ये घर तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। हम दूर दूर बहुत दूर चले गए। उस दिन के बाद वो माँ बेटी कहाँ गईं किसी को मालूम नहीं। साहब, उस दिन से मैंने भी नौकरी छोड़ दी। अगर कोई ये कहे कि वो इस दुनिया में नहीं है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। क्या है जी? वो बड़ी गाड़ी आ गई है। ठीक है, मुझे मालूम है, तुम चले जाओ यहाँ से। जी सलीम है। अरे क्या हुआ त्रिलोक चंद? अबे क्या हुआ, कुछ तो बता। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाय राम। मैं सच कहती हूँ एसपी साहब कि हमारे पड़ोसी माथुर साहब आज से 6 साल पहले रात को 1 बजे रेलवे लाइन क्रॉस करके चंपापुर के जंगलों में गए तो उसके बाद लौटे ही नहीं। लोगों ने समझा शेरवेर खा गया होगा, लेकिन लेकिन आजकल सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात को देरी से आते हैं। तुम? मैं चंदा, यहाँ की नौकरानी। देखा चाचा कैसा हो गया है वो, जब से उसने उस रानी साहिबा को देखा है ना तब से मेरी परवाह नहीं करता। सुना है वो रोज पैलेस के चक्कर लगाता है।
क्या चाहिए तुम्हें? What do you want? I said what do you want? किसने यहां अंदर आने दिया तुम्हें? जॉर्जी, जॉर्जी, मंगराम, जाओ यहां से। मैं कहती हूं चले जाओ यहां से। Get out of here. क्या चाहिए तुम्हें? तुम Shut up. जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? कबीरा ले जाओ इसे। Take him away. चलो बेटा चलो घर चलो 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 ना घर। मुझे तुम चाहिए। I want her. I want her, कबीरा। Monty. I want her. I want her. मैं कहता हूँ घर चलो। I want her, कबीरा। I want her, कबीरा। चलो ना Monty. कबीरा छोड़ मुझे। मुझे वो चाहिए कबीरा। मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे पूछना है। छोड़ मुझे कबीरा। छोड़ कबीरा मैं कहता हूँ चलो। रानी साहिबा की तरफ तुम्हारी नजर का इस तरह से पड़ना टीना के साथ धोखा है। और मैं ये टीना के साथ कोई धोखा नहीं कर रहा हूं कबीरा। कोई धोखा नहीं कर रहा हूं मैं तो उस धोखे से परेशान हूं जो मेरे साथ हुआ है। अगर तुम अपनी कहानी नहीं बताना चाहते ना बताओ, लेकिन अगर तुम रानी साहिबा की असलियत जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो, जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल उसकी वजह से जेल की कालकोठरी में काटे। क्या जानते हो तुम? आज से 10 साल पहले टीना का बाप रामचरण मेरा बचपन का दोस्त और महल का पुराना नौकर था, लेकिन शराब पीने की गंदी आदत की वजह से वो बिन मां की बेटी टीना को प्यार न दे सका। टीना की आंखें हमेशा कबीर चाचा को ढूंढा करती थी। वो जुमेरात थी, मैं रामचरण के क्वार्टर में पहुंचा तो टीना रो रही थी। रामचरण शराब के नशे में उसे डांट रहा था। मेरे और रामचरण के बीच उस दिन भी टीना की खातिर बहुत तू तू मैं हुई। न वो मुझे टीना को अपने घर ले जाने देता, ना अपने पास उसे ठीक तरह से पाल सकता था। नशे में धुत रामचरण अपनी तकदीर को और मुझे गालियां देता हुआ बाहर निकल गया और मैं बिन मां की बच्ची टीना को प्यार करने लगा। बाहर जाकर रामचरण ने शायद राजमहल की खिड़की से रानी साहब और उसके भाई चरणजीत को कुछ अजनबी लोगों से डांट खाते सुना। न जाने उसने क्या राज की बात सुनी कि उसका नशा उतर गया, लेकिन रानी साहिबा के भाई ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। रानी साहिबा का राज जानने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता रामचरण। कबीरा रामचरण, ये किस राज की बात कर रहा तू? रवि वर्मा। हाँ रवि वर्मा। काली मंदिर। काली मंदिर। हाँ रानी। ये दो लफ्ज कहकर मेरा जिगरी दोस्त खुदा को प्यारा हो गया। लेकिन बड़े लोगों के बड़े जाल होते हैं, न जाने पुलिस वहां अचानक कैसे पहुंच गई। पुलिस के सामने मैंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। तभी टीना रोते हुए मेरे पास आई। मैं टीना को गोद में उठाकर रानी साहिबा के पास ले गया। रानी साहिबा, ये आपके वफादार नौकर की बेसहारा बेटी है। अब इसका बोझ आप पर है, जैसे कि एक बोझ मेरे दिल पर भी है। रामचरण मरने से पहले काली मंदिर का राज मैं चलता हूं और दूसरे ही दिन रानी साहिबा मुझसे जेल में मिलने आई। वो बहुत घबराई हुई थी। क्या राज जानते हो तुम? ऐसे राज सलाखों के दरमियान नहीं बताए जाते मैडम, ऐसे राज तो सिर्फ अदालत में। हमने पूछा है क्या राज जानते हैं आप? काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है? ये राज इस राज को भूल जाने की क्या कीमत चाहिए आपको? मेरी बेटी टीना की परवरिश अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। हम उसकी जिम्मेदारी पूरी वफादारी से निभाएंगे, हम वादा करते हैं। कबीरा भी वफादारी का दूसरा नाम है मैडम। ये सौदा तो हम दोनों में तय हो गया, लेकिन मैं 10 साल तक उस काल कोठरी में यही सोचता रहा कि आखिर रवि वर्मा का काली मंदिर से क्या नाता है। मैं बताता हूं कबीरा, मैं बताता हूं काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है। तुम? हाँ मैं। आज की दुनिया के विश्वास के खिलाफ है कहानी जो हकीकत बनकर गुजरी है मुझ पर। तुम पर? हाँ कबीरा। जरा सोचो कबीरा, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, रस्म रिवाज के सब बंधनों को तोड़कर वो उससे शादी भी करता है,
और शादी के ठीक दो दिन बाद वो लड़की उस लड़के की हत्या कर देती है सिर्फ दौलत की वजह से। हर कुदरत का खेल कबीरा, वो प्यार करने वाला दिल फिर जन्म लेता है और 21 साल बाद वो देखता है कि वही लड़की रानी साहिबा बनकर। वर्मा हाई स्कूल की जिंदगी मेरी ही जिंदगी है। मेरे पति की वर्षगांठ के दिन पर ये लीजिए 50,000 का चेक। वर्मा कॉन्वेंट स्कूल का नाम वर्मा फैमिली के नाम पर है, शांता प्रसाद वर्मा के नाम पर है, रवि वर्मा के नाम पर है, पर मैं पूछता हूं यह वर्मा परिवार कहां है? इस रवि वर्मा की बहन कहां है? मेरी मां कहां है? किसी को कुछ पता नहीं कबीरा, कुछ पता नहीं। या खुदा, तुम वो रवि वर्मा हो? यह सच है कबीरा, बिल्कुल सच। यह नोही मेरे पे बीती है, यह पहाड़ मेरे सर टूटा है। मैं कोई पागल नहीं जो आपको इस तरह की कहानी सुनाऊंगा। मैं हो गया हूं मोंटी बच्चे। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस औरत ने तुम्हारी माँ और बहन को कहाँ रखा होगा। मैं इतने दिनों से दिन रात उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ। कहाँ है, किधर है, किसी को कुछ नहीं मालूम और कोई नहीं बता सकता। घबराओ नहीं, मैं इस बस्ती के कुछ बुजुर्गों को जानता हूँ। अगर खुदा ने चाहा तो मैं उन दोनों को ढूंढ कर ही लाऊंगा। शांता प्रसाद जी के बाद लोगों के जुबान पे और दिल में एक ही नाम रहेगा, रवि वर्मा का। वो वर्मा परिवार का कर्ज चुकाएगा, उनकी आन बान शानो शौकत को वापस ले आएगा। मेरे लाल, फिर देखना इस विधवा के चेहरे की लाली। दो और स्कूल खुलवाऊंगी उनके नाम से। माँ ज्योति वर्मा है नाम मेरा, और जरा अदब से बात कीजिए। ये ट्रॉफी मुझे सितार में फर्स्ट आने पे मिली है, कोई गिटार तोड़ने की नहीं। सितार में फर्स्ट और पढ़ाई में जीरो। यहाँ पढ़ाई में फर्स्ट, और रही बात सितार की, देख लेना एक दिन गिटार बजाना भी सीख लेंगे। एक साल में 12 गिटार तोड़ चुके हैं आप, और 7 सुर बजाना भी नहीं आया आपको। पिंकी पिंकी क्या, गिटार बजाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपको। सारा जग ढूंढ लिया, सारा जग मिलया, वो ना मिलया जिसको ढूंढूं मैं। परसों पहले माँ बेटी कहाँ गायब हो गए, किस और चले गए, ये किसी को भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है, फिर जो नागिन रवि वर्मा को डस सकती है उसके लिए दो बेसहारा औरतों को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं कबीरा। मोंटी, अल्लाह के खौफ से तो नागिन भी डरती है। ये नागिन नहीं कबीरा, ये नागिन नहीं। अगर ये बात सच्ची निकली तो मुझे उस माँ की कसम, मुझे उस बहन की कसम, मैं उसे एक दिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। मुझे फांसी होगी ना, मैं चढ़ जाऊंगा फांसी। अरे एक मौत तो क्या, रवि वर्मा हजारों मौत मर जाएगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा कामरी को, नहीं छोड़ूंगा। परवरदिगार, क्या हाल कर दिया इस नन्ही सी जान का। इसे सुकून अता कर खुदा, नहीं तो मैं तुझसे झगड़ पड़ूंगा। कबीरा बैठा तेरे दर पे सबकी मांगे खैर, परवरदिगार पिछड़ों को मिला दे यार। चंदा चंदा नहीं आई साहब जी,
उसकी जगह आज मैं काम करने आई हूँ। एक जग पानी लाओ। चाय तैयार है साहब जी। अब हमारा गुजारा चाय से नहीं शराब से होगा। सवेरे सवेरे शराब नहीं पीनी। बात बात बंद करो, चौंका करो वो तुम। जल्दी से पानी ले जाओ तुम। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शराब पीने से घर बर्बाद हो जाते हैं साहब जी। जी मेरा नाम लक्ष्मी है। नीचे तलेगांव में एक बंगले पे नौकरानी का काम करती हूँ। चंदा कल से बुखार में है ना, मैं आज बाजार खरीदने यहाँ आने वाली थी, सो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। कोई गलती हो तो माफ करना साहब जी, इस छोटी उम्र में शराब पीना अच्छा भी तो नहीं। तुम्हारा नाम लक्ष्मी नहीं हो सकता, तुम लक्ष्मी नहीं हो। जी हाँ मेरा नाम लक्ष्मी है, नीचे तलेगांव में रहती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारा नाम ज्योति है, ज्योति। नहीं नहीं नहीं, मैं ज्योति नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी है मेरा नाम। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे धोखा दे रही हो। तुम ज्योति हो, ज्योति वर्मा हो। नहीं आप मुझे ऐसा मत कहिए साहब जी, आप मुझे ऐसा मत कहिए, मेरी गरीबी पे तमाचा मत मारिए साहब जी। तो फिर तुम कहती क्यों नहीं कि तुम शांता प्रसाद वर्मा की बेटी हो? मर गया शांता प्रसाद, मर गया वर्मा परवा, मेरा उससे कोई नाता नहीं है। मैं एक भिखारी औरत हूँ, बर्तन साफ करने वाली गरीब विधवा, दूसरों का झूठा खाती हूँ, फर्श साफ करती हूँ, दर दर की ठोकरें खाती हूँ, अपने दो बच्चे और माँ को जिंदा रखने के लिए जिंदगी का बोझ छोड़ती हूँ। क्या लेना देना है आपको मुझसे? क्यों किसी गरीब औरत के दुखते दिल को और दुखाना चाहते हैं आप? क्यों मेरे सर पे जूते मारते हैं आप? क्यों मेरी गरीबी का बार बार मजाक उड़ाते हैं? पिंकी, आपने मुझे पिंकी कहा साहब जी? हाँ पिंकी, तुमने मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया मेरी बहन। बहन? आपने मुझे बहन कहा? हाँ पिंकी, तुम रवि वर्मा की बहन हो ना, तो तुम्हें प्यार से पिंकी कहा करता था। रवि वर्मा? आप रवि वर्मा को कैसे जानते हैं? देखा तुमने कितनी जोरों का तूफान आया और धमकिया। आज मुझ जैसे ईश्वर को ना मानने वाले भी ईश्वर को मानना शुरू कर देंगे। मैं समझी नहीं। अरे पगली, मैं ही तो रवि वर्मा। मैं रवि वर्मा का दोस्त नहीं, मेरा मतलब मेरे पिताजी रवि वर्मा के बहुत से दोस्त थे बंबई में। बंबई में? हाँ भैया, भैया बंबई बहुत जाया करते थे। तुम्हारे पूरे परिवार की तस्वीर मेरे घर में है। मेरे डैडी ने मुझसे कहा था कि जब भी मैं वहां जाऊं वर्मा परिवार की पूछताछ करूं। बहुत तलाश की उन्होंने भी लेकिन कोई पता नहीं चला आप लोगों का। दुनिया के लिए हम लोग मर चुके हैं साहब जी। भैया की मौत के बाद तकदीर ने हमें अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिया, तो लाशें, मैं और मेरी माँ क्यों जी रहे हैं, किस लिए जिंदा है? माँ? कैसी है माँ? कहाँ है माँ? मुझे उनसे अभी इसी वक्त मिलना है, प्लीज। माँ से मिलके क्या फायदा साहब जी, वो एक बुझा हुआ दिया है, ठीक रहा है, जो सोचता है कि कभी रोशनी होगी वो बावली हो गई है। भैया को गए हुए 21 साल हो गए, तब से वो न बोल सकती है न सुन सकती है। गरीबी के इस दौरान में मेरी शादी भी हो गई, लेकिन 3 साल में ही मेरे पति दो बच्चों का बोझ हम पर छोड़ इस दुनिया से चल बसे और मुसीबतों की कड़ियां बढ़ती चली गई। ना मैं अपने कपड़े अपने आप धोऊंगी। चुप रह, तू अभी छोटी है। देखो नानी माँ, असीम अगर मेरे कपड़े बिना साबुन के धोएगा तो क्या फट नहीं जाएंगे? साबुन कौन लाएगा, तेरा मामा? देखो नानी माँ, असीम मुझे चिढ़ा रहा है। नानी माँ को क्या तंग करती है, वो क्या सुन सकती है, बोल सकती है? आने दो माँ को, मैं सब बता दूंगी। चल तू सिर्फ कपड़े धो, नानी माँ को तंग मत कर, बैठ। डॉक्टर के पास जाने की हमारी हैसियत नहीं, वैद्य जी दुनिया भर की जड़ी बूटियां देकर थक गए हैं। नींद क्या चीज होती है माँ को शायद मालूम भी नहीं। बस ऐसे ही घंटों रवि भैया की तस्वीर देखा करती है। Oh.
बेटा। नानी माँ बोलने लगी। वैद जी, रवि आ गया। आ, आजा बेटा। तुम बहुत थक गए होंगे। पिंकी, रवि आ गया। रवि आ गया है पिंकी। बेटा, मैं जानती थी तुम देर से आओगे पर जरूर आओगे। बोलो, तुम भूलते क्यों नहीं? रवि, मेरे दिल के टुकड़े, तुम मेरे रवि हो ना? हाँ, तुम मेरे रवि हो, मेरे दिल के टुकड़े रवि, मेरे दिल के टुकड़े रवि, मेरा बेटा रवि। माँ जी, आप बैठ जाइए, बैठ के बातें कीजिए। ये आपका रवि नहीं है, ये तो बाहर से कोई बड़ा साहब आया है। चुप रहो, बकवास। ये मेरा बेटा रवि ही है। माँ सुनो तो सही, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, आ, नहीं, ये मेरा बेटा रवि है, ये मेरा बेटा रवि ही है। माँ के दिल से पूछो, इसकी आत्मा से पूछो। ईश्वर सबको धोखा दे सकता है लेकिन माँ के दिल को नहीं। माँ, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये कोई और है। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करना, ये मेरा बेटा रवि है। ईश्वर, अगर तू कहीं है तो नीचे आ जा और मेरी नजर में नजर मिला के कह दे कि ये मेरा बेटा रवि है कि नहीं। माँ, मैं तुम्हारी बैठ पड़ती हूँ, तुम बैठ जाओ, तुमसे ज्यादा बात करना ठीक नहीं। अरे जी, आप सब लोग इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। साहब माफ कीजिए, इनके दिमाग पर गहरी चोट लगी है। मैंने कहा ना अकेला छोड़ दीजिए। चलो भाई, सब लोग साहब सब संभाल लेंगे। तुम रवि हो ना? मेरा बेटा रवि। मां, मैं रवि हूं। किसी ने मुझे नहीं पहचाना और तुम पहचान लिया। देखा, मेरे बेटे ने मुझे पहचान लिया, अपनी माँ को पहचान लिया। देखो माँ, अब मैं आ गया हूं ना? हाँ। मेरी बात मानोगी? हाँ, हाँ, हाँ। अब थोड़ी देर आराम कर लो तुम। हाँ, आराम करूंगी, आराम करूंगी। अब तुम आ गए हो ना, अब मैं आराम से सोऊंगी, आराम से सोऊंगी। माँ, ये अंकल कौन है? मैं तुम्हारा मामा हूँ बेटे। आज के बाद तुम सब अपने मामा के साथ रहोगे। अच्छा, देखता रहा मेरा मसीहा अपने ही दिए जख्मों पर। वाह मेरे मौला। बेटी, चिंता ना करो, अपने भैया के घर जाओ। दुख के सब दिन बीत गए, अब सुख के दिन हैं आए। देख कामनी अब कबीरा क्या क्या रंग दिखाए। जाओ कबीरा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे खत्म कर दूंगा। अगर कानून इसे सजा नहीं दे सकता तो मैं इसे सजा दूंगा कबीरा। और कानून तुम्हें खत्म कर देगा, क्योंकि कानून और पुलिस के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि रवि वर्मा का खून कामनी देवी ने किया है। हाँ, एक गवाह है, ऊपर वाला, और शायद उसी ने तुम्हें इसके पास भेजा है ताकि तुम इसे इतना मजबूर कर दो कि ये कानून और दुनिया के सामने अपने जुर्म का इकबाल कर ले। हाँ मोंटी, हमें अब इसे तड़पा तड़पा के मारना है, एक एक कदम पर ऐसा जाल बिछाना है कि ये पागल हो जाए। क्या बात है करण सिंह, तुम्हारे हाथ में क्या है? पता नहीं सरकार, अभी अभी कोई आकर दे गया है, कह रहा था कि आपका बर्थडे प्रेजेंट है। बर्थडे? लेकिन यहाँ तो किसी को भी नहीं मालूम कि आज मेरा बर्थडे है। देखूं तो शुक्राना
क्या हुआ? आपकी गाड़ी ने जवाब दे दिया मैम साहब। तुम यहां क्या कर रहे हो? Get the hell out of my car! Come on, get out of my car! Come on, out! ये सब क्या हो रहा है? I don't understand. मेरे पीछे क्यों पड़े हो? I want to know. ये गाड़ी तुम्हें किसने दी? तुम्हें ड्राइवर किसने बने दिया? ड्राइवर? रानी साहब, दौलत से तो गरीब नहीं हूं, लेकिन दिल का बहुत कमजोर हूं। आपको मेरा तोहफा तो मिल गया होगा। शुक्र है मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। अजी, पुलिस, कानून, फांसी, मौत सब मंजूर है मुझे। अगर आप मुझे ऊपर भी भेज देना तो भी मैं वापस आ जाऊंगा। Shut up, will you? Shut up तो रहना चाहता हूं मैं, लेकिन क्या करूं? मैं अपनी बेकरारी आप पे जाहिर नहीं करना चाहता कि मुझे पहली नजर में आपसे इश्क हो गया। Nonsense. Get lost, will you? Okay. वीराने में औरत का अकेला रहना ठीक नहीं है कामनी जी, सोच लीजिए। सुनो, मॉन्टी नाम है मेरा। देखिए, आपकी गाड़ी खराब है, नीचे वो वहां बस्ती है और बस्ती में गैराज है, और गाड़ी सिर्फ गैराज में ठीक होती है। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। हम फकीरों को पता भई, हम फकीरों को पता भई, सबके दिल का हाल है, सबके दिल का हाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। प्रेम जाल है, ये तो प्रेम जाल है, कमाल 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 उतने तारे, ये मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल है।
प्यारी कन्या तू भी कुछ सवाल कर, साफ दिल का हाल कर, मैं बताता हूँ बाबा। इसके होठों पे रुकी है कई प्यार की कहानियाँ, इसके होठों पे रुकी है कई प्यार की कहानियाँ, आ रही है फिर से इसके प्यार पर जवानियाँ, जवानियाँ 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 जवानियाँ। अरे ना समझ, ना समझ है तू बड़ी, ना समझ है तू बड़ी, अकल से तू काम ले, वो जो तेरे ही तो बुना ये चाल है, चाल है कमाल है, चाल है कमाल है, कमाल है कमाल है, कमाल है कमाल है। हम फकीरों को पता भाई सबके दिल का हाल है, सबके दिल का हाल है। अरे हम फकीरों को पता भाई सबके दिल का हाल है, सबके दिल का हाल है, कमाल है कमाल 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 है। मिठू, अब तो लोग नहीं कह सकते ना कि रानी साहिबा की उम्र ढल रही है ना? मिठू, I'm so happy tonight. Good night. Sweet dreams. तुम्हारी इज्जत से खेलने वाले का हशर यही करेगा मोंटी। ऐसा क्यों? जो तुम समझती हो वो नहीं, वासना, शरीर, दौलत, शौहरत, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, एक अपनापन। मोंटी, शाबाश जगावर, कमाल का रोल किया। ये लो 400 रुपया और तुम्हारा रोल खत्म। जय काली। रवि, 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 अभी तक नहीं आया, इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आया। हाँ, जीप में आ रहा है बहू को लेकर, लेकिन अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं खुद जाके देखती हूँ, मैं खुद जाके देखती हूँ। रवि,
रवि, खेलो 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 रवि, खेलो आगे मत जाओ रवि, खेलो। देखो ना माँ को क्या हो गया। घबराने की कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र है कि बच गई। She's lucky. कहाँ कहाँ ढूंढेगी तू मुझे माँ, कितनी और ठोकरें खाएगी तू। मैं आ तो गया हूं ना माँ, माँ मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा माँ, सब वादे पूरे कर दूंगा। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख ना माँ, आंखें खोलना माँ प्लीज। माँ रवि, तुम आ गए। देख माँ मैं तेरे सामने हूँ। चल हम अपने घर चले, मुझे ले चलो अपने घर चले। हाँ माँ ले जाऊंगा, तुम आराम करो, अपने घर ले जाऊंगा, उसी घर ले जाऊंगा माँ जहां तुझे मैं अकेला छोड़ के गया था। कहां से सीखी तुमने ये धुन? ये तो बरसों पुरानी है। इसमें एक कहानी है। किसकी? मेरे पति की, रवि वर्मा की। रवि वर्मा? हाँ, उन्हें ये धुन बहुत पसंद थी। मंजी प्लीज इस धुन से तुम्हें कुछ होता है? हाँ। चलो आइंदा हम नहीं बजाएंगे। ये क्या दिख रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ की रेखाएं। क्या लिखा है इसमें? कमाल है, इसमें तो किसी का खून लिखा है। खून? तुम इससे ली मानती? मेरा ही तो खून किया है तुमने। मैंने? मुझे दीवाना बनाकर। अब मेरी समझ में आया, मोंटी साहब को मेरे टेलीग्राम क्यों नहीं मिलते। जब आप समझ ही चुके हैं ओबराय साहब, तो बहस करने से अब कोई फायदा नहीं। तो आपने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है? आपने ठीक समझा। ओबराय का मतलब है दौलत, शोहरत, नाम। साहब दो पल की चीजें ओबराय साहब। मैं तुम पे दावा कर दूंगा। शौक से? मैं जा रहा हूं। मैं आपको रोकूंगा नहीं। गुड बाय। कौन था ये? था मेरी किस्मत का ठेकेदार। लेकिन अब क्या होगा? इसे क्या मालूम कि मेरी असली तकदीर इस घर में है। लेकिन मोंटी, मेरा तो मन इस घर में घबरा रहा है। चलो कहीं बाहर चलते हैं। क्या हुआ? आपकी गाड़ी ने जवाब दे दिया। ओह नो। एक मिनट, वो जो मेरी माँ है ना बम में, मुझे रात को कभी गाड़ी चलाने नहीं देती।
क्योंकि कभी मैं रात को लेट हो गया तो वो पूरे शहर को अपने सर पे उठा लेती हैं। वो पूरे शहर भर में टेलीफोन, वायरलेस, पुलिस में खबर। अरे आपके रेडिएटर में तो पानी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ एक डब्बा है, मैं अभी आया। आला फी डालेंगे। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली, मेरे पिछले जन्म की साली। बढ़ रही है। हाँ तो मैं माँ के बारे में कह रहा था ना, वो क्या है, अरे सर्दी के मौसम में इतना पसीना तो... मंची क्या हुआ, घबराई हुई हो? भूत। भूत क्या? मैंने भूत देखे। लगता है आजकल आप बहुत भूतों की कहानियां सुन रही हैं, इसलिए आपको वहम हो गया। तो वही डालेंगे वो थी तुम्हारे साथ हूँ। मोंटी, मोंटी वो देखो, वो गाड़ी में घुस जा रहे हैं। कहाँ घुसे? क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो ना कोई गाड़ी दिखी है ना कोई भूत। वो देखो मोंटी, वो किधर? क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो गई हो? वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोंटी, तुमने कुछ नहीं देखा? कुछ भी नहीं है। मुझे क्या हो गया मांटी? मुझे क्या हो गया? तुम्हें आराम की जरूरत है। रानी साहिबा, आपके लिए इतनी ज्यादा गोलियां खाना अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब आपको पहले ही मना कर चुके हैं। आपके होटल की ओपनिंग पर मांटी नहीं आ सका, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। अगर आप असलियत जानना चाहते हैं तो खुद चलकर देख लीजिए। मेरा सोने का पंछी आपके महल के पिंजरे में किस कदर जकड़ा हुआ है, ये सब आपकी कामनी देवी के कारनामे है। यस सर। देख रीटा, मैंने तेरे को बोला था ना, उसका इसी के साथ चक्कर चल रहा है। देख कैसे हंस हंस की बातें कर रहे दोनों, मेरे से तो देखा भी नहीं जाता। तू बता क्या हो रहा है? अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया है, फिर अभी वो उतर गई है, फिर अभी वो अंदर जा रही है, जाते जाते रुक गई है, फिर मोंटी उसके करीब जा रहा है, अभी एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, अभी पिलर के पीछे चले गए। क्या? अभी कुछ नजर नहीं आ रहा टीना, मुझे लगता है सब गड़बड़ है टीना। आपने अभी तक अपनी जिंदगी और अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताया, हालांकि मुझे आपने प्रॉमिस तो किया था। मैं बताऊंगी लेकिन अभी नहीं। क्यों? पहले मुझे तुम पर पूरा एतबार तो हो जाए। प्यार करने वाले एतबार का सर्टिफिकेट नहीं मांगते देवी जी। मांगती मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। यू बास्टर्ड कमीने कुत्ते साले बेवफा, बातें मुझसे करता है, प्यार उससे करता है, गाने मेरे साथ गाता है, दगे बाज़ आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। समझना सब ये क्या बोलूंगा उसका, ये क्या बचना टीना, सब क्या सब। अरे टीना क्या, अरे भाग जाओगी, अरे सुनो टीना, टीना 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 जाने दो उसे मोंटी, ये दिन तो आना ही था। देखा आपने अगर मैं इस लड़की से शादी करता तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर देती लड़की। मैं जानती हूँ एक औरत और बच्ची में यही तो फर्क है। मोंटी बाबा गजब हो गया। क्या हुआ? टीना शहर छोड़कर जा रही है। क्या बकते हो? वही बकवास जो इस चिट्ठी में लिखी है।
वो घर छोड़कर चली गई है। कबीर बादशाह उसको जगह जगह तलाश कर रहा है। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती कबीर चाचा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, समझना टीना मर गई। शर्म बेगैरत, लैला की भतीजी चली थी इश्क में जान गंवाने। आपको नहीं मालूम चाचा, वो रानी साहिबा के साथ कैसी कैसी बेशर्मी बातें कर रहा था। चुप बेगैरत, मैंने जिंदगी भर घास नहीं काटी है। एक तो आजकल वो पहले ही परेशान है और ऊपर से तू उसे और परेशान कर रही है। किसके लिए परेशान है वो साला कमीना? अरे तेरे लिए और किसके लिए। रानी साहिबा के पास ड्रामा करने के लिए उसे मैंने भेजा था। रानी साहिबा के पास मेरा लाखों रुपया फंसा हुआ है। अब मोंटी और तेरी शादी के लिए रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी शादी? शादी हो रही है? गुड, वेरी गुड। मेरी भी एक लड़की है, बिल्कुल टीना जैसी, यू नो। मिस्टर मोंटी, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है, वर्मा हाई स्कूल की सिल्वर जुबली फंक्शन के लिए हम एक चैरिटी शो रखना चाहते हैं। अगर आप इसमें हिस्सा ले लें तो मुझे पूरा यकीन है कि स्कूल के लिए लाखों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। टीना के स्कूल के लिए मैं कुछ करूं, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। इट इज सो नाइस ऑफ यू। वेरी गुड, यू आर ए वेरी गुड बॉय। देखो, अगर तुम्हारी नजर में कोई तुम्हारे ही जैसा एक लड़का हो तो मुझे बताना, मेरी भी एक जवान बेटी है। हम यहाँ स्कूल बोर्ड की मीटिंग के लिए आए हैं मिस्टर बैप्टिस्टा। आहिस्ता, देखिए आप आइए और गाइए और हमारी लड़कियों को भी सिखाइए। हमारी लड़कियाँ बड़ी कलाकार हैं और मेरी भी एक लड़की है। और मिसेस कामिनी देवी इस सिल्वर जुबली फंक्शन की चीफ गेस्ट होंगी। और उसी वक्त रवि वर्मा मेमोरियल हॉल का उद्घाटन भी करेंगी। रवि वर्मा मेमोरियल हॉल, मैं आऊंगा इसके साथ। आई विल कम। हेलो, हेलो, यस, मैं मिसेस कामिनी वर्मा बोल रही हूँ। हेलो, मैं रवि वर्मा बोल रहा हूँ। कौन रवि वर्मा? तुम्हारा पति रवि वर्मा। व्हाट नॉनसेंस, कौन बोल रहा है? नजर से ना सही, आवाज से तो पहचान डाले। मैं मोंटी बोल रहा हूँ। मोंटी? या मोंटी, क्या मजाक है? चेहरे अलग हुए तो क्या हुआ, असल में मैं रवि वर्मा ही हूँ डालेंगे, मोंटी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पास कोई सबूत नहीं है कामिनी, कि कानून या समाज को मैं बता सकूं कि तुमने मेरा खून कैसे किया था। खून? हाँ कामिनी, खून। जब मैं रवि वर्मा था तुमने मेरा खून किया था, काली मंदिर के सामने जीप से, याद कर कामिनी। क्या रहा? तुम्हें क्या हो गया है? मैं मैं मोंटी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हेलो, तुम्हारा बाप बोल रहा है। हेलो मोंटी, मोंटी तुमने अभी फोन किया था? मैंने? हाँ। कहां से? मैं तो यहाँ हूँ। अपने आप को ऐसे खत्म मत करो कामिनी। मोंटी मैं पागल हो जाऊंगी, एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। पागल तो आप हो ही चुकी हैं कामिनी जी। तुम? हाँ हम, सर जूडा के चमचे। कहो क्या कहना है चमचों को? सर जूडा ने तुम्हें बुलाया है इसी वक्त। किस लिए? उन्हें तुम्हारी हरकतों का अंदाजा हो चुका है। ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, do you understand? सर जूडा के चमचों या चमचियों की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, समझी? Get out of here! Get out of here! Get out! Okay, चलो बड़ा। मोंटी, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत शोहरत, मैं घबरा गई हूँ इस जिंदगी से। प्लीज मुझे कहीं ले चलो, कहीं भी, लेकिन मुझे नहीं रहना इस महल में, प्लीज। ले जाऊंगा, परसों ही ले जाऊंगा, अपने घर बंबई में। लेकिन आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? मैंने वर्मा हाई स्कूल के फंक्शन में गाने का वायदा किया है। बाहर में जाए वर्मा हाई स्कूल। इतने बरसों से तुम रानी साहिबा बनकर रही हो इस महल में, हर काम इज्जत और अपने ढंग से किया जाना चाहिए। उसी फंक्शन में मैंने अपनी मां और बहन को भी बुलवाया है। तुम्हारी इज्जत और मान देखकर मां कितनी खुश होंगी जब तुम वर्मा हाई स्कूल फंक्शन में मेरी मां को एक इज्जतदार होने वाली बहू के रूप में मिलोगी। सच? सच तो यह है कि मेरी मां ठीक हो गई है।
बस दवा के साथ दूध पीगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो फिर दूध गिरा दिया ना। देखा पिंकी, जब ये छोटा था ना इसी तरह दूध गिराता था, मैंने कभी इसको नहीं डांटा और ये अब मुझे डांट रहा है। मैं कहाँ डांट रहा हूँ माँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं अपनी प्याली प्याली माँ को वर्मा हाई स्कूल के फंक्शन में ले जा सकूँ। वर्मा हाई स्कूल? हाँ माँ, वर्मा हाई स्कूल हमारा स्कूल। कुछ देर बाद हम लोग उस फंक्शन में जाएंगे और तुम उस हॉल का उद्घाटन करोगी। लोग वहां तालियां बजाएंगे और हैरान होंगे कि मिसेस शांता प्रसाद वर्मा की क्या आन बान शान है। क्यों माँ? जीते रहो बेटा, जीते रहो। और उसके बाद हम अपने महल में जाएंगे। हाँ माँ, उसके बाद हम अपने घर में, अपने घर में। देखा माँ, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है और उस प्यार को तूने कितने साल दूर रखा। अब वो आ गया है, अब काहे को आंसू बहाती है आंखें। शायद तेरे पाँव धोना चाहती है आंखें। जी हाँ, मोंटी, मोंटी नाम है उसका सर। सर ये चक्कर वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये चक्कर तो रवि वर्मा की जायदाद। ओके सर। शिरी और परहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक आया। याद याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली किसी ने जान दी। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना। एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई बस कयामत हुई। हो गए तुम कहां सुन के ये दास्तां, लोग हैरान है क्योंकि अनजान है। इश्क की वो गली बात जिसकी चली, उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था क्या जमाना था। एक हसीना थी एक दीवाना।
हसी ने कहा, उस हसी ने कहा, सुनो जाने वफा, ये पलक ये दुनी, तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं। बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो दास्ता, जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वही, शक्ल अनजान की, अक्ल है हुआ, फिर वही सब हुआ।
कौन हो तुम? तुम हो कौन? Who are you? मैंने पूछा है कौन हो तुम? तुम? मोंटी नहीं, ये झूठ है, धोखा है। तुम रवि वर्मा नहीं हो सकते, तुम रवि वर्मा कभी नहीं हो सकते। आपने ठीक पहचाना रानी साहबा, मुझे गौर से देखिए, मैं ही रवि वर्मा हूं। शांता प्रसाद की बहुरानी, इस शहर की महारानी और सर चूड़ा की नौकरानी, देख गौर से देख, गौर से देख इस कुदरत के करिश्मे को। रवि वर्मा की शक्ल तो नहीं, लेकिन आत्मा वही है, वही रवि वर्मा जिसको 21 बरस पहले काली मंदिर के सामने तुमने जीप के टायर के नीचे कुचल दिया था, वही रवि वर्मा जिसने तुम्हें प्यार के बदले प्यार दिया, नाम दौलत शौहरत सब कुछ, लेकिन तुमने क्या दिया? सिर्फ औरत जात के नाम को बदनामी। और अब तुम्हारा ये 21 बरस का राजपाट खत्म होता है। ये घर तुम्हारा नहीं है कामिनी, ये घर है शांता प्रसाद का, उसके बेटे रवि वर्मा का, रवि वर्मा की बूढ़ी मां का, जो आज खुद परसों बाद इस घर में थोड़ा सा आराम करने आ रही है। रवि, हम अपने घर आ गए ना? ये घर है रवि वर्मा की उस बहन का, जिसने अपने जवानी के सुनहरे दिन बिता दिए अपनी बूढ़ी मां और बच्चों को दो वक्त की रोटी देने में। आज वो अपने भाई के घर आ रही है अपना हक मांगने। कामनी देवी, ये घर है वर्मा खानदान का, वर्मा खानदान के उन चिरागों का, जिनको अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। आज वो अपने घर में आ रहे हैं, अपने महल में आ रहे हैं, एक नई रोशनी देखने के लिए। है कोई सबूत तुम्हारे पास कि तुम इनकार कर सको कि तुमने रवि वर्मा का खून नहीं किया? है कोई सबूत तुम्हारे पास कि तुमने उसकी बेसहारा मां और बहन को लोगों के फर्श और बर्तन साफ करने के लिए इस महल से उठा के गंदी नाले में फेंक नहीं दिया? तुमने रवि वर्मा का खून किया है, बोलो तुमने किया है, तुमने किया है, बोलो तुमने किया है। काली मंदिर, रवि वर्मा, तुमने खून किया, कामनी तुमने किया है, बोलो 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 बोलो, तुमने खून किया है, बोलो तुमने खून किया है, तुमने, बोलो बोलो बोलो। मैंने खून किया था, मैंने खून किया था, रवि वर्मा साहब का खून मैंने किया था, बोलो क्या कहना है, क्या कहना है? मैंने खून किया था रवि वर्मा, नहीं वो कभी जिंदा नहीं हो सकता, वो कभी जिंदा नहीं हो सकता, वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। कबीरा, देख लिया एसपी साहब, चोर ही मचाए शोर। अरे मैडम रानी साहिबा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो हाय हाय। कबीर चाचा, कबीर चाचा, ये पिस्तौल असली है, इसे गोली है। तो आप पता चला कि परदेसी अंग्रेज हमारे देश में कैसे घुस आए? रॉक्सी, एक बार मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मुसलमान के यहां परवरिश, हिंदुओं से दोस्ती और अंग्रेजों के शौक रहे हैं मेरे, लेकिन एक इंडियन होने के नाते मैं अंग्रेजों का राज नहीं होने दूंगा यहां, अंडरस्टैंड? सर जूडा का कहना है कि कामिनी देवी को हमारे हवाले कर दिया जाए। ओए अपने गूंगे बॉस से कहो कि जिसकी जबान कटी हो उसे अपनी जीभ बाहर नहीं निकालनी चाहिए। कबीरा अपनी बेटी की कुर्बानी दे देगा, लेकिन वर्मा नहीं। कबीरा नहीं, इस कमीनी के लिए टीना की कुर्बानी बेवकूफी होगी। जुड़ा, कामनी को हम तुम्हारे हवाले कर सकते हैं, शर्त यह है कि तुम टीना हमारे हवाले करो। हमें मंजूर है, उधर से एक कदम कामनी चलेगी, इधर से एक कदम टीना चलेगी, लेकिन जरा सी भी हरकत हुई तो फिर गोलियां चलेंगी। रॉक्सी, टीना को छोड़ दो। हाँ,
के जूते दे रहे हैं सजा, पहनने से ज्यादा खाने में आएगा मजा। तुम मेरी फिक्र ना करो, बाहर पिंकी बाहर गई, तुम उन्हें बचाओ। लेकिन कबीरा तुम ऐसे जाओ, तुम जाओ, जाओ। रानी, मामा, मामा, रानी और माँ उस घर में बंद है। ड्राइवर बच्चों को संभालो। पागल हो गई है। Thank you.
लोग जल्दी वापस आना। हाँ हाँ माँ। देख बेटा, इस वक्त धोखा नहीं देना। नहीं माँ, हाउ वेलकम। जल्दी चलो ना मोंटी, अभी तो हमें कश्मीर जाना है, हनीमून देखना है। सुना है वहाँ का हनीमून बड़ा मजेदार है। क्या कह रही है? चलो बेटी, तुम्हें स्टेशन तक छोड़ा। बरस का